तो बच्चों देखते हैं, एक ही हमारा कंसेप्ट है एक्सरसाइज 3.2 का, ठीक है। आपके एनसीईआरटी में पेज 46 पे एक टेबल बना हुआ, जैसे हमारे पास थ्री टाइप्स ऑफ लाइंस होती हैं। तो हमारे पास पहली लाइन क्या है देखें तो, पैरेलल लाइन है, दूसरी इंटरसेक्टिंग लाइंस है, तीसरी कोइंसिडेंट लाइंस है, मतलब जो एक के ऊपर एक बनी हुई है। तो ये कौन सी है, पैरेलल लाइंस, ये है इंटरसेक्टिंग, और थर्ड है कोइंसिडेंट लाइंस, ठीक है, कोइंसिडेंट लाइंस है। तो अब देखो हम नाइन्थ क्लास में क्या करते थे कि हम हमेशा क्या करते थे, ग्राफ बनाते थे बच्चों, फिर उससे आइडेंटिफाई करते थे कि लाइंस क्या है, पैरेलल है, इंटरसेक्टिंग है, कोइंसिडेंट, इसके अलावा तो क्या ही होंगी। तो बट अब इसमें हमारे पास एक ईजी तरीका आया कि हम चेक कर सकते हैं ये लाइन्स क्या है। तो मैं पहले पैरेलल लाइन्स का बनाता हूँ। तो आपको ध्यान रखना है, आपके पास दो इक्वेशन दे रखी हैं, जैसे पहली इक्वेशन होगी एक्स प्लस टू वाई माइनस फोर इज इक्वल्स टू ज़ीरो, फिर दूसरी है टू एक्स प्लस फोर वाई माइनस ट्वेल्व इज इक्वल्स टू ज़ीरो। या तो आपके जो कॉन्स्टेंट्स हैं राइट हैंड साइड होने चाहिए या दोनों लेफ्ट हैंड साइड होने चाहिए, वो आपके ऊपर है, ये मत करना एक राइट पे एक लेफ्ट पे, उससे आंसर में मिस्टेक हो जाएगी। तो इसमें हम चेक क्या करेंगे, देखो अब इसके कोफिशियंट्स आपको ध्यान रखने हैं, मतलब जो एक्स का कोफिशियंट है फर्स्ट वाली इक्वेशन का, और दूसरा है एक्स का कोफिशियंट जो कि टू है, इसका कोफिशियंट तो वन है, तो मैंने देखा वन अपॉइंट टू, इसको सॉल्व करा वाई के कोफिशियंट को जो कि है टू बाय फोर, ये आ गया वन बाय टू, और मैंने चेक करा फोर बाय ट्वेल्व को तो ये आया वन अपॉन थ्री। जब आपका ए वन अपॉन ए टू, मतलब ए वन अपॉन ए टू मैं कैसे बोल रहा हूँ, जो हमारा जनरल फॉर्म देखते हैं, ए वन होता है एक्स का कोफिशियंट, बी वन होता है वाई का कोफिशियंट, और सी होता है कॉन्स्टेंट पार्ट। ए टू होता है सेकेंड एक्स की इक्वेशन का, बी टू होता है हमारी दूसरी इक्वेशन का, और सी टू होता है हमारा सेकेंड इक्वेशन का कॉन्स्टेंट। तो आपको याद रखना है कि हमारे जब ये दोनों इक्वल आएंगे तभी आप इस पे जाएंगे, अगर ये दोनों इक्वल नहीं आ रहे तो आप वहीं स्टॉप हो जाएंगे। तो जब आपने चेक करा, देखो वन बाय टू वन बाय टू, बट विच इज़ नॉट इक्वल टू वन बाय थ्री, तो हमारे पास एक फॉर्मेशन आई, और आपके टेबल में भी लिखा है जो पेज 46 पे है, कि ए वन अपॉन ए टू इज इक्वल्स टू बी वन अपॉन बी टू इज नॉट इक्वल्स टू किसके, सी वन अपॉन सी टू के। तो ये लाइंस कौन सी होंगी हमारी, पैरेलल लाइंस होंगी, ठीक है। फिर आते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस पे, इंटरसेक्टिंग लाइंस का भी मैंने एक एग्जांपल लिया, क्या 2x, अच्छा इंटरसेक्टिंग के लिए हम ले लेते हैं x माइनस टू वाई इज इक्वल्स टू ज़ीरो, इसमें कॉन्स्टेंट पार्ट है ही नहीं, 3x प्लस फोर वाई माइनस ट्वेंटी इज इक्वल्स टू ज़ीरो। तो पहले आप चेक करेंगे x के वाले फिर y के, मतलब पहले a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 को चेक करते हैं। तो अगर मैंने लिखा a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल्स टू c1 अपॉन c2, ठीक है। अगर a1 चेक करा, इसका कोफिशियंट क्या है, वन है, और a2 क्या है, थ्री है, और इसमें मैंने रखा माइनस टू, बच्चों साइन ज़रूर ध्यान रखना, माइनस है प्लस है, कहीं आप टू बाय फोर लिख दो और उधर आ रहा हो टू बाय फोर पॉजिटिव में, इधर आ रहा हो नेगेटिव में, तो वो नॉट इक्वल में आएंगे। तो ये पहले ही नॉट इक्वल हो गए, तो मैं सी वन अपॉन सी टू पे नहीं जाऊँगा, अगर ये इक्वल आते तो मैं सी वन अपॉन सी टू पे कंटिन्यू करता। तो हमारे पास एक कॉन्सेप्ट आया कि ए वन अपॉन ए टू इज इक्वल्स टू बी वन अपॉन बी टू इज नॉट इक्वल्स टू सी वन अपॉन सी टू, देन लाइन्स वुड बी इंटरसेक्टिंग, ठीक है। ये शॉर्टकट तरीका है हमारे पास। लास्ट तो हमारे पास कॉन्सेप्ट आया क्या, कि अगर मैंने लाइन्स ले ली टू एक्स प्लस थ्री वाई माइनस नाइन इज इक्वल्स टू ज़ीरो, फोर एक्स प्लस सिक्स वाई माइनस एटीन इज इक्वल्स टू ज़ीरो। अब इसको चेक करते हैं, टू बाई फोर प्लस थ्री बाई सिक्स इज इक्वल्स टू माइनस नाइन बाई एटीन, माइनस माइनस कैंसिल, सी टू वन ज़ा टू टू ज़ा, थ्री वन ज़ा नाइन वन ज़ा नाइन टू ज़ा। अब देखो सारी रेशो वन अपॉन टू वन अपॉन टू वन अपॉन टू आ रही हैं, तो मतलब ए वन अपॉन ए टू इज इक्वल्स टू बी वन अपॉन बी टू इज इक्वल्स टू सी वन अपॉन सी टू। तो लाइन्स क्या होंगी, वुड बी पैरेलल, ठीक है। तो आपके पास क्या दे रखा है, हमारे पास ये टेबल दे रखा है। अच्छा दूसरी चीज़, अगर आप देखेंगे पैरेलल लाइंस कहीं भी मीट नहीं होती हैं, तो आपके में लिखा हुआ आपके टेबल में कि ये क्या है, नो सॉल्यूशन। इंटरसेक्टिंग लाइन खाली एक पॉइंट पे टच कर रही है, तो यूनिक सॉल्यूशन या वन सॉल्यूशन,
अब ये कोइंसिडेंट लाइन है, मतलब एक के ऊपर एक बन रही है, इतने सारे पॉइंट्स पे अपने आप को एक दूसरे से टच कर रही है, तो इसको हम बोलेंगे इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस। तो ये है। अच्छा, अगर नो सॉल्यूशन होगा तो आप इसको क्या बोल सकते हैं, इनकंसिस्टेंट, कि इसमें कोई सॉल्यूशन कंसिस्ट ही नहीं करता। वन सॉल्यूशन है तो इसमें हम बोलेंगे क्या, कंसिस्टेंट। ये कंसिस्टेंट वाला लाइन आप अपने एनसीईआरटी में लिख लेना बच्चों। और कोई और क्या है, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन है तो इसमें भी कंसिस्ट करता, तो इसको भी हम क्या बोलेंगे, हम कंसिस्टेंट। ठीक है, इसको भी मैंने कंसिस्टेंट बोला, क्योंकि इसमें सॉल्यूशन कंसिस्ट होता है, इसमें भी कंसिस्ट होता है, इसमें कंसिस्ट नहीं होता। ठीक है, ये तो हमने समझ लिया लाइंस का। अब एक दो क्वेश्चंस कर लेते हैं एनसीईआरटी से, फिर एक दो मैं आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करा दूंगा। तो हमारे पास एक ये सेकंड क्वेश्चन है एनसीईआरटी का 3.2 का। मान लो मैंने फर्स्ट पार्ट ले लिया और उसने बोला आपको कंपेयर करना है कि लाइंस पैरेलल है, कोइंसिडेंस है या इंटरसेक्टिंग है। मैंने फर्स्ट इक्वेशन ही ले ली, फर्स्ट इक्वेशन है 5x माइनस 4y प्लस 8 इज इक्वल्स टू 0, और 7x प्लस 6y माइनस 9 इज इक्वल्स टू 0। आपने चेक करना वही a1 अपॉन a2 से, तो देखोगे 5 अपॉन 7 इज नॉट इक्वल्स टू 4 अपॉन 6। चेक भी कर सकते हो, कट भी कर सकते हो। तो मैं पहले ही आपको बताया, अगर a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 तो मैं c पे नहीं जाऊँगा। अगर ये इक्वल आते हैं तो मैं c पे जाऊँगा। और हमने अभी पढ़ा है कि a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2, सो दीज लाइन्स आर कौन सी, इंटरसेक्टिंग है। ठीक है, इंटरसेक्ट कर रही है। दूसरा क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि लाइंस कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। तो आपको पता है इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या है, कंसिस्टेंट है। और आपको ये भी बोल सकता है इसके कितने सॉल्यूशन है, तो आप आंसर करेंगे वन सॉल्यूशन। तो मल्टीपल चीज़ें पूछ सकता है एक ही क्वेश्चन से, तो वो टेबल आपको थॉरली लर्न होना चाहिए। ठीक है, सारा टेबल लर्न कर लोगे तो अच्छी बात रहेगी आपके लिए। अच्छा, एक क्वेश्चन हम और कर लेते हैं, क्वेश्चन थर्ड का फर्स्ट पार्ट बच्चों। वो क्या कहता है कि आपको बोलता है ऑन कंपेयरिंग रेशियो हमें बताओ कंसिस्टेंट है इनकंसिस्टेंट है या, ये बताना है। तो फिर से मैंने एक फर्स्ट इक्वेशन लिख ली, 3x + 2y = 5, 2x - 3y = 7। अब मैंने आपको पहले ही बताया था या तो दोनों जो कांस्टेंट है वो लेफ्ट हैंड साइड रहे या राइट हैंड साइड रहे। अब दोनों राइट हैंड साइड है तो हम उसको राइट हैंड साइड से भी यूज़ कर सकते हैं। सॉल्व करते हैं, क्या 3/2 नॉट इक्वल है 2 अपॉन -3 के, चेक कर लो। और माइनस अब ऊपर भी लिख सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मैं सी पे नहीं जाऊंगा, अगर इक्वल आते तो ऑफकोर्स मैं सी पे जाता। तो हम इसको बोलेंगे कंसिस्टेंट, क्यों, क्योंकि ये कौन सी है, इंटरसेक्टिंग है। ठीक है बच्चों, तो ये अगर a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 होता तो मैं c1 अपॉन c2 चेक करता। ठीक है बच्चों, तो एक हम सेकेंड पार्ट भी कर लेते हैं। देखो सेकेंड पार्ट है 2x 9। तो बच्चों हमने चेक करा 2/4 = -3/6। सॉल्व करते हैं तो आपको साफ दिख रहा है a1 अपॉन a2 = b1 अपॉन b2, तो मैं c पे जाता हूँ और ये इक्वल नहीं है। तो ये कौन सी लाइंस होती हैं जब a1 अपॉन a2 = b1 अपॉन b2 but not = c1 अपॉन c2, पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस क्या होती हैं, इनकंसिस्टेंट। ठीक है, तो ये मेरा एक कंसेप्ट था लाइंस का, जिसका हमारा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा ही आएगा। एक दो क्वेश्चन हम देख लेते हैं एग्जाम्पलर में से, जैसे इस फॉर्म के क्वेश्चन भी आ सकते हैं जब हमें के निकालना होता है। तो ये एक ऐसी एग्जाम्पल क्वेश्चन है, आप सुन ही सकते हो। कहता है फाइंड सी, अगर इक्वेशंस क्या है, इफ इक्वेशन आर इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस है भैया इसके। इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस कब होते हैं, जब लाइंस क्या होती हैं, कोइंसिडेंट होती हैं। कोइंसिडेंट लाइंस कब होती हैं, a1 अपॉन a2 = b1 अपॉन b2 = c1 अपॉन c2। तो आपको इक्वेशन क्या दे रखी है वो भी लिख देता हूँ मैं। इक्वेशन दे रखी है cx - y = 2, 6x - 2y = 3। ठीक है, ये दे रखी है हमारे पास,
सॉल्व करते हैं, ए है हमारा ये। अब बच्चों एक चीज़ ध्यान रखना, एक्स और वाई के अलावा मेरे पास कोई वेरिएबल नहीं है, उसके अलावा सारे क्या हैं, कॉन्स्टेंट्स हैं। तो सी मेरा कॉन्स्टेंट होगा, तो ए वन की जगह मैंने सी रख दिया और ए टू की जगह सिक्स रख दिया। वाई का कॉन्स्टेंट है माइनस वन और ये माइनस टू, इक्वल में टू बाई थ्री। आप अब किसी का भी कंपेरिजन कर सकते हैं, ठीक है। एक इम्पॉर्टेंट बात, 3.4 की भी मैंने वीडियो बनाई हुई है और उसको पोस्ट करा हुआ है, उसको भी देख लेना, उसमें भी एक ऐसे क्वेश्चन है और वो इम्पॉर्टेंट है। तो अब सॉल्व कर लो, किसी को भी सॉल्व कर लो, आप चाहे इसको सॉल्व कर लो, ठीक है, मर्जी आपका। कंपैरिजन करना है तो मैंने फर्स्ट टू ले लिया, माइनस से माइनस कैंसिल कर देते हैं यार, वन बाई टू। क्रॉस मल्टीप्लाई करा, टू सी इज इक्वल्स टू सिक्स, सी इज इक्वल्स टू सिक्स बाई टू विच इज थ्री, सो थ्री इज आर आंसर, ठीक है। अच्छा एक डाउट और आता है बच्चों को, मान लो इक्वेशन बोला हुआ है, ऐसी रैंडमली क्वेश्चन मैंने ऐसे अपने हिसाब से फॉर्म कर लिया, कह रहा है फाइंड के इफ इक्वेशन आर क्या, इक्वेशन आर इंटरसेक्टिंग। तो इंटरसेक्टिंग में हमें पता है ए वन अपॉन ए टू इज नॉट इक्वल्स टू बी वन अपॉन बी टू, तो अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो नॉट इक्वल का साइन ही लगेगा। दूसरा, अगर हमारे पास कुछ ऐसा नंबर होता है एक्स प्लस वन के, के प्लस वन एक्स प्लस टू वाई प्लस थ्री, और यहाँ होता के प्लस सेवन प्लस थ्री वाई इज इक्वल्स टू फोर, तो आपको ए वन की जगह ना के प्लस वन रखना है, याद रखना पूरा नंबर एज इट इज, ठीक है, पूरा नंबर एज इट इज का एज इट इज लिखोगे, ये नहीं कि ए वन की जगह आप खाली के लिख दोगे, एक्स के अलावा जो भी आपके पास नंबर होगा वो लिखा जाएगा, ठीक है। तो ये रिवाइज कर लेना और एक एक पार्ट अपने हिसाब से कोई भी बुक से या कोई एनसीईआरटी का ही रिपीट कर लेना बच्चों।